हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे टैबलेट GFE 200 के बारे में, जो कि FDC कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इसके हम यूजेस बताएंगे, इफेक्ट बताएंगे, साइड इफेक्ट बताएंगे, कंपोजिशन बताएंगे, इसका क्या प्राइस है वो बताएंगे, किस कंपनी का प्रोडक्ट है वो बताएंगे, किस क्या इसकी डोज है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, टैबलेट का नाम है जीफी, जो कि 200 mg और 400 mg में मार्केट में अवेलेबल है। और 200 mg का आज हम रिव्यू कर रहे हैं। इसका प्राइस रहता है 100 रुपए 90 पैसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 100 रुपए में नजदीकी मेडिकल कम्युनिटी से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, जेनरिक नहीं है। इसका कंपोजिशन रहता है सिफैक्सिम 200 mg और इसको मैन्युफैक्चर कर रही है FDC लिमिटेड। FDC लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत स्टैंडर्ड की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है, या टाइफाइड बुखार, ठीक है, तो या फिर गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, छाती का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, तो ये किसी भी तरह का बुखार, जैसे टाइफाइड बुखार, तो उन सभी कंडीशन में ये काम करती है। और इसको जैसे कुछ लोगों को टाइफाइड बुखार हो जाता है, पुराना बुखार हो जाता है, तो उस हिसाब से डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। और ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, इसको बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस गोली को खाने से कुछ लोगों को दुष्परिणाम भी हो जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट कुछ लोगों को हो जाते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। इससे दुष्परिणाम जैसे पेट दर्द बढ़ जाना, दस्त लग जाना, वॉमिटिंग हो जाना, शरीर पे लाल दाने हो जाना, चक्कर आना, सिर भारी होना, तो ये इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसकी डोज रहती है दोस्तों, खाना खाने के बाद एक गोली पानी के साथ। तो ये आपके बैक्टीरिया को, बॉडी में जितना भी बैक्टीरिया है उसको खत्म करती है। एक तरह का एंटीबायोटिक है, तो बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। बहुत जब छोटे मोटे एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं तो सिफैक्सिम को दिया जाता है, तो सिफैक्सिम बहुत काम करता है। और ये स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, तो आप नजदीकी मेडिकल केमिस्ट से आप इसे परचेज कर सकते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी कुछ बातें हैं, इसका मैंने आपको रेट बता दिया, कंपोजिशन बता दिया, यूज बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिए हैं, डोज भी बता दी है, कंपनी का नाम भी बता दिया है। अब रहता है कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से इस दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से इस दवा को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए, दवाई परचेज करते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए, मेडिसिन का वो डोज नहीं लेना चाहिए, यह दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन का रिव्यू टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपडेट रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।